सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइज। मेरा नाम है मोहित और मैं अपने चैनल मिस्टर मोहित ब्लॉग्स पे एक लंबे समय के बाद वापस आ चुका हूँ। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं, मैं खड़ा हुआ हूँ हाईवे पे। तो एंट्रेंस है ये हाईवे का और हम हाथरस के नेशनल हाईवे पे जाने वाले हैं। और इस ब्लॉग में हम आपको दिखाने वाले हैं तीर्थधाम मंगलायतन क्या है, सब कुछ वहाँ जाके एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं कितना बड़ा कैंपस है, क्या कुछ है वहाँ देखने के लिए। फाइनली हम पहुंच चुके हैं तीर्थधाम मंगलायतन पे। आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये यहाँ का एंट्रेंस। तो चलिए अंदर चलते हैं और देखते हैं क्या कुछ है अंदर देखने के लिए। तो आप इस ब्लॉग में आप कंटिन्यू बने रहिए। तो गाइस मंदिर में एंट्रेंस करने से पहले ही आपको यहाँ पे गेट पे जूता चप्पल वगैरह रखने के लिए लॉकर्स वगैरह मिल जाएंगे, जहाँ पे आप फ्री ऑफ कॉस्ट अपना सामान वगैरह रख सकते हैं। तो चलिए फिलहाल यहाँ पे अपना सामान वगैरह रख के हम एंट्रेंस करते हैं, एंट्री करते हैं और दिखाते हैं आपको क्या कुछ है अंदर देखने के लिए। तो आप इस ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिए। तीर्थधाम मंगलायतन में एंट्रेंस करके अंदर आ चुके हैं। तो आपको जो सबसे पहले यहाँ देखने की जो चीज़ मिलेगी वो है मेरे पीछे ये भगवान श्री आदिनाथ मानस्तंभ मंदिर। तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये है इसका नज़ारा कुछ। तो बाकी हम आगे बढ़ते हैं और दिखाते हैं आपको क्या कुछ है यहाँ कंपास का देखने के लिए। गाइज आप देख सकते हैं ये परिक्रमा मार्ग है मंदिर के पीछे का। तो आइए देखते हैं इसमें क्या है।
तो गाइस यहाँ पे एक गुफा का रास्ता बना हुआ है, तो अंदर चलते हैं क्या कुछ है देखने के लिए। काफी इंटरेस्टिंग सी जगह लग रही है मुझे, तो चलिए अंदर चलते हैं। तो गाइस फिलहाल हम गुफा के बाहर की तरफ आ गए हैं, तो ये है बाहर का रास्ता, तो बाहर निकलते हैं। तो आइए हमारे आगे है फिलहाल भगवान श्री बाहुबली मंदिर। तो मैं आपको बैक कैमरे से दिखाता हूँ, क्योंकि यहाँ पे पीट करके मंदिर की तरफ आप वीडियो नहीं बना सकते हैं। तो चलिए आप देख सकते हैं, बैक कैमरे से दिखा दीजिए। तो गाइस मंदिर वगैरह में घूम घाम के हम वापस बाहर आ गए मंदिर के। फिलहाल हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो जो कुछ था मंदिर में दिखाने के लिए हमने आपको इस ब्लॉग में दिखा दिया है। मंदिर वगैरह इस टाइम पे बंद थे, तो वो तो हम नहीं दिखा पाए, क्योंकि वैसे यहाँ पे अंदर वीडियो कैमरा वगैरह अलाउड नहीं है, मोबाइल फ़ोन चलाना भी अलाउड नहीं था अंदर, तो हम वो तो नहीं दिखा पाए आपको। लेकिन फिलहाल जो कुछ था यहाँ पे सीन वगैरह वो सब दिखा दिया है। यहाँ की मेन चीज़ ये है कि यहाँ पे हरियाली बहुत है, अगर आप यहाँ आते हो तो काफ़ी अच्छा महसूस करने वाले हो, क्योंकि यहाँ पे पेड़ पौधे हरियाली वगैरह बहुत है।